मुरादाबाद लूट, चोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के मुकदमों में जेल से हाल ही में छूटे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मंडलायुक्त पर सत्ता के लिए काम करने का भी आरोप है, जबकि सच्चाई ये है कि मंडलायुक्त मुरादाबाद से पहले रामपुर के जिलाधिकारी थे और उन्होंने ही सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आम आदमी से मुकदमे दर्ज कराए, जिसमें दोनों को जेल जाना पड़ा, जिसमें अब्दुल्ला आजम हाल ही में जमानत पर छूटे हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वार्थ सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। इस बीच सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने मंडलायुक्त से शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की है। जानकारी होने पर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा और इसमें कहा गया कि मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है और आम आदमी के हक की आवाज उठाता है। मंडलायुक्त ने भी रामपुर के लोगों की आवाज पर कार्यवाही की, इसलिए उन्हें मुरादाबाद से हटाना न्याय उचित नहीं होगा। आज हमें समाचार पत्रों से पता लगा कि हमारे जो मंडलायुक्त हैं उनके खिलाफ विधानसभा रामपुर के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने एक शिकायत की है। वो तथ्यहीन है, आधारहीन है और राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से शिकायत की गई है। हमारे मंडला आयुक्त तो एक निर्भीक और ईमानदार निष्पक्ष अधिकारी हैं। ऐसा अधिकारी मुरादाबाद मंडल को मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ गलत शिकायत करना बहुत ही गलत है, इसलिए हमने आज अपने ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग को अब ज्ञापन भेजा है। आज हमने लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि गलत, आधारहीन और राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से की गई शिकायत की उच्च स्तरीय जांच किए बिना हमारे मंडलायुक्त को नहीं हटाया जाए।